दिल्ली ड्रैगन्स मेरे साथ में है, तो ये ड्रैगन्स क्या किसे किसे जलाने वाली है? पहले तो सबको आप सामने आ जाएंगे, आपको जला देंगे। हम किसी को भी जला सकते हैं। हम आएगा, मुझे जला देंगे। तो कौन क्या बोल रही है, मतलब सोच लो कि क्या हाल करने वाले हो। मतलब जो लोगों को जलाने से बचाती है वो बोल रही है, तो आप सोच सकते हैं क्या है, क्या है, कौन है टारगेट, कौन है? कोई टारगेट है नहीं। बोले डर मत, बोले नो। एक्चुअली जिस टीम को हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो हमें टिकल करेंगे, वो शायद टिकल नहीं करेंगे। मे बी समबडी एल्स वुड टिकल अस, सो वी डोंट वांट टू अंडरएस्टिमेट एनीबडी। जो भी सामने आएगा और अननेसेसरी टिकल करेगा, हम उसे अपनी जगह बिठा देंगे। सवाल क्या है वो बता देंगे। जी बताएं अपने टीम की खासियत, एक एक की खासियत। हमारे टीम की खासियत, एक एक की खासियत, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी टीम, ये हमारी टीम का विकेट कीपर कम अ ग्रेट बैट्समैन। ये वो विकेट पीकर बोल रहा हूँ, नहीं ये वो विकेट कीपर है, जब बॉलर सामने से बॉलिंग करता भी नहीं उससे पहले बॉल इसके पास आ जाती है। ये इतना फास्ट है, ये छोड़ो इसको बाद में करते हैं। वेल ही इज अ ब्रांड न्यू एंट्री हमारी टीम में। अगेन ही प्लेज वेल, बैट्स वेल, बोल्स वेल, ऑलराउंडर हम इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं। बट हम इसको ज्यादा बैटिंग करवाएंगे ज्यादा बैटिंग, बिकॉज हमारे पास बॉलर्स बहुत ज्यादा है। मूविंग अहेड हमारे साथ ये हमारी टीम के सुत्तर, ये जो सबसे ज्यादा सोते हैं, हमारी टीम में सबसे ज्यादा सोते हैं लेकिन गाते भी बहुत अच्छा है। ये हमने इनको एक्चुअली गवैया जैसे रखा है टीम में। ये गाएंगे, हमें पीछे एंटरटेन करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बट हमारी टीम के कैप्टन है, ग्रेट बॉलर जिया, हमारी पॉजिटिव मोटिवेटर, और हम इसे कोशिश कर रहे हैं कि ये अब बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी करे, क्योंकि अब हमारी टीम में एक्टिव प्लेयर है, जो पिछले साल एक्टिव नहीं थी, पैसिव थी, बट इस साल एक्टिव है, तो बॉलिंग भी करेगी और बैटिंग भी करेगी। आप ये देखिए, ये गॉडजिला के ज़माने से है हमारे साथ। ये बंदे आप तब से देख रहे हैं, जब से मैं इतना सा था तब से इनको मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, बट ये तब भी क्रिकेट खेलते थे, आज भी क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं जी। सो अगेन मैं कहूँगा, मैंने जितना सुना है इनके बारे में, ही इज अगेन ब्रांड न्यू एंट्री टू आर टीम, अगेन एन ऑलराउंडर, तो हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, बैटिंग में बैटिंग, बॉलिंग तो बॉलिंग, विकेट कीपिंग तो विकेट कीपिंग, आपको जो करवाना है, डिपेंड्स ऑन द टीम। किश्वर का काम क्या है अगर मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्लेयर है, ये प्लेयर ग्राउंड पे खेल रहा है, किश्वर अब जा, अरे जा। ये किश्वर, इसको इस चीज के लिए हमने किश्वर को रखा हुआ है, और बाकी की बकवास करने के लिए उन्होंने मुझे रख लिया बस। हाँ जी, अगर इनके कोई सामने वाला प्लेयर किसी बॉल पे छक्का मार दे या सुरेश को कुछ कह दे या इसको कुछ कह दे, तो किश्वर क्या करेगा? किश्वर करके बताओ, क्या बोलोगे तुम? वो आप लोग तेरी मां भी अबान, जो भी सेंसर करते जाए यही सब बोलेगा, छोड़ते नहीं है। लिटरली इन शॉर्ट हमारी टीम की गुंडी, ओनली वन एंड ओनली किश, वन एंड ओनली। ये इतनी खतरनाक है, ये अपनी पानी की बोतल में तेजाब लेके आती है, और जैसे सामने वाला प्लेयर थकता रहे, पियो पियो पानी, पियो पानी, पियो पानी। सामने वाले ने कुछ भी किया ना, कुछ नहीं, और सो स्वीट, तूने मेरी टीम को आउट किया, ले। और एक टीम और एक प्लेयर तो टारगेट है ही। आपको लॉकर रूम ड्रामा होने से पहले यही ड्रामा हो जाएगा, तो सुरेश कुछ कह रहा था। नहीं ऐसे वी आर मेड श्योर दिस ईयर कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ये बोल के लाई थी कि कुछ मत बोलना, ऐसे अच्छा अच्छा रहेंगे, अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे और अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, और इसीलिए शुरू कर दिया, तब से इसको रोक रहा हूँ, मत बोल। और आई थिंक बाय दी कुछ सुना उसके रिएक्शन में ये था। चलिए कोई बात नहीं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप कृपया करके हमें सोनी टीवी पे देखिए और हमें हमारे पिच पे देखिए, वहां पे हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे।